गाइज वेलकम और गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि मैं आप अब दो वीडियोस अपलोड करूँगी, तो मैंने एक वीडियो तो शाम को एंड कर दिया एंड सुबह मैं फिर से व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। एंड अभी मैं उठी हूँ और अपना डेली रूटीन फॉलो किया, उसके बाद मुझे काम मिला है मेरी पार्किंग एरिया जो है उसे साफ़ करने का, तो चलिए साफ़ करते हैं एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ क्लीनिंग। सारा साफ सफाई करके रख दिया और उसके बाद फिर मैं सो गई हूँ और मम्मी अपना काम कर रही है, खटर पटर का आवाज़ सबको आ ही रहा होगा। और उसके बाद फिर मैं अब जाऊँगी नहाने, क्योंकि मैंने ऑल सारे जितने भी रूटीन्स होते वो तो हो गए थे मेरे, लेकिन मैंने नहाया नहीं था अभी, तो मैं जाऊँगी नहाने। मेरी जो पगली वाली लुक है ना उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, इतना सजती वजती नहीं हूँ मैं। तो जाती हूँ नहा कर आती हूँ। और मेरे ये जो हाथ है ना जो हमेशा गाल पे चले जाते हैं, इसे आप प्लीज़ इतना मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, मुझे आदत है ऐसे 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 करने का, तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखो मेरे हाथ देख सकते हो आप, मेरे लाल हो गए हैं और यहाँ थोड़ा रफली लग रहा है, क्योंकि वह वाइपर में जिगजैग पैटर्न होता है ना, उससे मेरे हाथ हमेशा छिल जाते हैं, वैसे ही छिल गए हैं क्योंकि काफ़ी देर तक उसे साफ करना पड़ा था। लेकिन रेड रेड लग रहा है ना थोड़ा, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी करना पड़ता है। ये देखिए मेरा पौधा थोड़ा मुरझा गया है, पता नहीं क्यों, मैंने सोचा था कि नहीं मुरझाएगा, बट ये थोड़ा थोड़ा मुरझा गया, कल नहीं मुरझा रहा था बट आज मुरझा गया है। एंड इसमें मैंने ये जो देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये जो थोड़ी छोटी छोटी सी सीड्स दिख रही है ना, ये है एक पूजा करने के लिए आती है, उसके क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं धतूर, हाँ वो मैंने यहाँ पे इसके सीड्स डाले हैं अंदर, बहुत सारे अंदर भी हैं अभी, तो इसलिए डाले हैं क्योंकि उसमें उग जाए तो थोड़ा पूजा करने में अच्छा रहता है। मेरी मम्मी सोमवारी करती है ना, तो उसका पत्ता या फिर फल चढ़ाया जाता है भगवान जी को। एंड इसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है, इसमें मैंने सोचा है कि इसमें केला डाल दूँगी जिससे केला का पेड़ हो जाए, और ये अच्छा है, ये एकदम अच्छा लग रहा है। और ये भी थोड़ा मुरझाया हुआ है, ये तुलसी जी का पौधा, ये वाले गुड़हल के प्लांट्स मतलब डंठल भी थोड़े मुरझा गए हैं, पता नहीं मेरे से भी लगेगा या नहीं लगेगा या ऐसा ही बंजर टाइप का सूख जाएगा, ये भी थोड़ा मुरझा ही गया, भगवान करे लग जाए कि बहुत मेहनत की है भाई। और ये ना ये वाला पॉट ना मैंने उधर रखा था, बट एकदम डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण मैंने इधर कर दिया है। और इसमें मैंने मिर्ची उगाई है, मिर्ची के बीजे भी डाली है मैंने, आपको दिख रहा होगा, देखिए। और ये भी ये उतना नहीं मुरझाया है लेकिन थोड़ा बहुत मुरझा गया है। हम बैठते हैं, ये मेरी छोटू का चेयर है और ये यहाँ मैं बैठती हूँ, यहाँ मेरी मम्मी बैठती है, सबका लाइन वाइज रखा हुआ है। ये देखिए घूम रही है, अभी कुछ पहनी नहीं है ये क्योंकि इसे बहुत गर्मी लग रही थी। ये खड़ी हो गई, अभी कुछ पहनी नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी इसे। और देखिए यहाँ से बाहर का व्यू थोड़ा आया, तो मतलब ये जो ग्रिल है ना ये दिखाती हूँ मैं, दरवाज़ा खोल कर यहाँ से खोलिए,
मेरे थर से यहाँ बहुत ग्रीनरी है, यहाँ एक अपार्टमेंट बन रहा है, बंद कर देते हैं। भी बहुत ग्रीनरी है हर जगह प्लांट्स है, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स। अब मैं जा रही हूँ अपने सीट पर बैठने, मैं बैठ चुकी हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। देखिए दिखाती हूँ मैं, वेट देखिए, पूरे पेड़ पौधे हिल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत हवा चलती है, बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता है। मैं पढ़ती भी थी ना तो यहीं पे पढ़ती थी, और यह हल्ला कर रही है यार लड़की यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मैं बहुत जब पढ़ती भी थी ना तो यहाँ पे पढ़ती थी, बट यहाँ पे जो कल शहर का काम हो रहा है ना तो ऑकवर्ड लगता है बैठने में, लेकिन फिर भी ठीक है, उतना भी नहीं लगता। ये देखिए यहाँ अपराजिता का पौधा है जो मैं देखा है मैंने, यहाँ से जाकर मुझे लाना है और लगा दूँगी मैं बाहर अपने अपने पॉट्स पर, या फिर बाहर भी लगा सकती हूँ। मैंने थाम लिया है जब तक मैं घर पर रहूँगी कुछ ना कुछ लगा ही लूँगी सब जगह। मैंने सोचा चेरी टमाटोज भी लगाऊँगी, सब मैं भर दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि फिर से काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है और आप देखते देखते फिर से बोर हो जाइएगा, तो मैंने सोचा था कि दो वीडियो डालूंगी और इसीलिए मैंने सुबह शाम दोनों टाइम ब्लॉगिंग की है। एंड अभी मैं एडिट करूंगी देन डालूंगी, देखिए कब तक जाता है, एंड उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी कल। बाय बाय।